अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी NARC चक शहजाद इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस इदारे के मुख्तलिफ शोबे देखना चाहते हैं कि ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल किस तरह काम करती है, इसके अंडर में हमारी मुस्तकबिल की जो ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी होती हैं। इसमें खुराक के हवाले से मुख्तलिफ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबे हैं, वो हम देखना चाहेंगे और फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि चारे की हमें कितनी ज़रूरत है, इसके साथ लाइव स्टॉक की और मछली फार्म भी हम देखना चाहेंगे क्योंकि ये इंसानी ग़िज़ा के अहम जुज़ हैं। उसके बाद एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि रिसर्च काउंसिल के ये ज़री तहकीकाती इदारे के सरबराह जो हैं वो चेयरमैन अजीम खान साहब, उनसे हम कोशिश करेंगे, उनसे भी मुलाकात करें और उनसे बातचीत करें कि मुस्तकबिल के हवाले से हमारी ज़री ज़रूरियात क्या हैं और उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के विजन के मुताबिक, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक आने वाले वक्त में हमने कैसे आगे बढ़ना है, इसी पर आज का प्रोग्राम होगा। नाज़रीन, आइए मेरे साथ चलिए और देखिए कि हमारा मुल्क आपाशी के लिए, ज़री तहकीकात के लिए और ज़री अजनास के लिए कैसे काम कर रहा है। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम चक शहजाद में हैं और चक शहजाद में ये वो सेंटर है जहाँ पे आप मुख्तलिफ फसलें भी देखते हैं और यहाँ पे उन पर रिसर्च भी होती है और यहाँ पे DG हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे सेंटर के सिस्टम को देखते हैं, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। शाह साहब, हमें आप ये बताएं कि आपके पास ओवरऑल कितनी जो है मुख्तलिफ फसलें उन पर रिसर्च हो जाती है या यहाँ पर काश्त करके आप उनके बीज वगैरह हासिल करें? थैंक यू वेरी मच जी आपके कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप इस वक्त नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में हैं और इसकी टोटल ज़मीन 1395 एकड़ है। यहाँ पर इस वक्त 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ कमोडिटी रिसर्च प्रोग्राम्स उनके साथ इन्वॉल्व हैं और हर किस्म की मोर आर लेस फसलों पर यहाँ पर काम होता है। ना सिर्फ फसलें हैं बल्कि लाइव स्टॉक है, वाटर है, साइल सिस्टम्स हैं, उनकी लैब्स मौजूद हैं, प्लस हमारे पास बड़ी हाईटेक लैब्स हैं जिनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। फिर इसके अलावा जीन बैंक है यहाँ पर जिसमें हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन करते हैं। अगर आप फार्म एरिया की सिर्फ बात करें तो इसमें हमने स्पेशली पिछले 5-10 सालों से इसमें डबल क्रॉपिंग सिस्टम का रिवाज दिया है जो कि पोटोआर एरिया में सिर्फ मोनोक्रॉप उगाई जाती है एक साल में। तो यहाँ पर हम खरीफ में फलीदार अजनास लगाते हैं ताकि ज़मीन की हेल्थ भी इम्प्रूव हो, सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो और जो हमारी रबी क्रॉप है वो बेहतरीन हो सके। तो इस वक्त आप क्योंकि खरीफ सीज़न है, मेरे ये राइट साइड पर आपको सोयाबीन की फसल नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड पर ये मूंग बीन की फसल नज़र आ रही है। सोयाबीन इस वक्त जो है हमने तकरीबन यहाँ 450 एकड़ पर लगाई हुई है जिसमें बेसिक, प्री बेसिक और सर्टिफाइड सीड हम उगाते हैं सिर्फ। इसी तरह मूंग बीन और माश इस वक्त NARC में 160 एकड़ पर लगी हुई है, उसमें भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जितना सीड यहाँ पर प्रोड्यूस करें उसकी क्लाइंट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर्स हों और फार्मर्स के लिए ही हम तमाम सपोर्ट करते हैं ताकि उनको बीज भी दे सकें, उनको हम टेक्नोलॉजी भी दे सकें और जितने रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम अपनी एक कंपनी के थ्रू मार्केट कर रहे हैं। बेसिकली हमें रिसर्च की ज़रूरत क्या है कि वो इलाके, वो ज़मीनें जो बारानी हैं, अगर कहीं पे नहरी सिस्टम है वहाँ पे तो आपाशी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो ज़मीनें जहाँ पे दारोमदार बारिश पे होता है तो वहाँ पे ये सिस्टम काम करता है। आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं डॉक्टर बशीर साहब, ये जो जितना भी आपाशी का निज़ाम है, इरिगेशन का निज़ाम है, उसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब। ये वाला निज़ाम जो है जिससे आप करते हैं इरिगेशन या फसलों की सराबी करते हैं तो दही इलाकों में भी ये सिस्टम आसानी से लग जाता है? ये बेसिकली हमारा रेनफेड एरिया के बरानी एरियाज़ के लिए ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिसको हम ड्रिप
सिस्टम कहते हैं वो ज़्यादातर आपका सब्जियों के लिए होता है और बागात के लिए होता है। ये जो आपको गन चल रही होती है इसको हम स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा इधर का सारा पर्पस यही है कि हम ये टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं और फिर फार्मर्स तक लेके जाए। ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज प्रोग्रेसिव फार्मर्स के फील्ड तक पहुँची हुई हैं। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसा से इसकी ऑपरेटिंग कास्ट बहुत ज़्यादा थी। आपके बिजली बहुत महंगी थी, आपका डीजल बहुत महंगा था, ज़मींदार बेचारे लगा सकते थे लेकिन एक या दो साल के बाद इसकी कास्ट को कीमत को नहीं अफोर्ड कर सकते थे, डिसमेंटल कर देते थे। वेयरएज ये दुनिया में आप ये बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। ये एक तो है कि कहीं आप सरफस से पानी नहीं पहुंचा सकते, ज़मीन ऊंची नीची है वहाँ ये सिस्टम कामयाब है। जहाँ पे पानी कम है ये आपके बाकी जो नहरी निज़ाम है उससे 70% कम पानी इस्तेमाल होता है। तो लोग काफ़ी कर रहे थे लेकिन सिर्फ कीमत की वजह से इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर बशीर साहब, बिल्कुल सिस्टम तो है ये, PRC इस पर बहुत काम करे। जो बारानी इलाके हैं तो आप फोकस कहाँ, ये सराइकी बेल्ट में ज़्यादा बारानी इलाके हैं या पोटोआर में भी हैं, फोकस ज़्यादा किन इलाकों को किया? सर ये तो बेसिकली सारे बारानी एरियाज़ पे है लेकिन हमारे पोटोआर में ज़्यादा लोग इसलिए कर रहे हैं कि इधर बारिश काफ़ी होती है, लोग पानी उसको स्टोर करके कर रहे हैं। और हालांकि बलोचिस्तान में भी है ये हो रहा है जहाँ जहाँ पानी अवेलेबल है, लेकिन अभी तक बड़े बड़े फार्मर्स तक ये सिस्टम रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटे से छोटे सिस्टम, ये वाला सिस्टम बड़े एरिया के लिए है, फिर इसी तरह हमने दो दो एकड़ के लिए, तीन तीन एकड़ के लिए भी सिस्टम किए कि छोटा ज़मींदार है वो भी इससे मुफीद हो सके। मेरे साथ हैं ग़ुलाम शबीर मिर्ज़ा साहब जो तर्जमान हैं इस कौंसल के और पूरे पाकिस्तान के लिए जो तशहीर का काम है इन्हीं के पास है। मिर्ज़ा साहब मुझे ये बताएं कि ये जो जितने भी आपके क्रॉप्स हैं, आप तो चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, ये मैसेज फिर आप कैसे कन्वे करते हैं, नई तहकीक के बारे में कैसे बताते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि जितने हमारे रिसर्च हमारे साइंटिस्ट करते हैं उसको चारों सूबों के फार्मर्स तक, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तक उसके फ़ायदे पहुँचाना और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इसके अलावा हमारे जितने भी फार्मर्स, जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, इनोवेशन होती हैं, वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने फार्मर से रबते करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। और साइंटिस्टों को यहाँ ट्रेनिंग होती है NARC मरकज़ में, जो प्रोवेंशल गवर्नमेंट के ज़रात के इदारे हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर, GB और चारों सूबों के, उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं और उन्हें आगाही डिफरेंट तरीके से जो है ना, हम कोऑर्डिनेशन का काम साथ साथ हमारा होता है सूबों के साथ। तो इस तरीके से हम बेसिकली हमारा मकसद यही है कि ज़रात को तरक्की देना मुल्क के अंदर। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुराक का ज़ामिन इदारा है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। इसके लिए इसके साइंटिस्ट शब रोज़ जो है वो तहकीक के ज़रिए नई नई जो है टेक्नोलॉजी, नई नई वराइटीज़ फार्मर्स के लिए जो है ना वो करते हैं और उन तक पहुँचाते हैं। ये हमारा बेसिक मकसद है। और मेरी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें इदारे का जो जितना काम है उसको थ्रू मीडिया आवाम तक, किसानों तक पहुंचाना है और उसके लिए हम शब रोज़ काम करते हैं। यूनिक टेक्नोलॉजी है जो अमेरिकन्स ने अपना इस वक्त प्रोप्राइटरी की हुई है और इसका खूबसूरती ये है कि ये सब सरफेस में चली जाती है, 4 इंच डेप्थ के ऊपर इसकी लाइनें जो है ले कर दी जाती हैं, उसके बाद इसके ऊपर वेजिटेशन ग्रो कर दी जाती है और पौधा अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है कि इसकी जड़ें जब ये स्ट्रेस में आता है तो एक ख़ास सिग्नल जनरेट करती हैं। जब सॉइल के अंदर ऑलरेडी एक पानी अवेलेबल है तो ये ऐसा केमिकली एंड बायोलॉजिकली जनरेटेड प्रोडक्ट है कि वो उसके स्ट्रेस को, कॉल को रिस्पॉन्ड देता है। जब उसकी रिस्पॉन्स को जब ये सुनता है तो ये वेपर आउट करता है, वेपर आउट करता है तो सॉइल मॉइस्ट हो जाती है, जब सॉइल मॉइस्ट हो जाती है तो सारे का सारा एक्टिवेट हो जाता है, उसके मिनरल जो हैं सॉइल के। और पौधा बिकॉज ऑल द टाइम ऑन द डिमांड ऑफ द प्लांट, ये हर वक्त अवेलेबल होता है उसके लिए पानी, इस हिसाब से इसकी यील्ड भी ज़बरदस्त है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इस पे जो खूबसूरती है वो ये है कि हमारा पाकिस्तान, हम बेशक कहते हैं नारों में कि हम पानी की कमी है, पानी की कमी है, अगर ज़िंदगी में अगर कोई मुझसे पूछे कि
कोई ऐसी इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो पानी की कमी को कंपनसेट कर सके, यहाँ से लेके बलूचिस्तान के इंटीरियर को और सिंध के इंटीरियर को और साउथ पंजाब के थर्स्टी एरियाज को, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ वो पानी की बचत को 50% से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी थ्रू NARC टेस्ट होगी डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सोयल कंडीशंस में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, तो फिर आई थिंक इट विल स्प्रेड। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये अच्छी है, ये फार्मर के फील्ड्स के लिए आप 1 acre से लेके 100 acres तक लेके जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस इन किचन गार्डनिंग होम्स जो लोगों के होते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डू इन हाइड्रोपोनिक टनल्स एंड हाइड्रोपोनिक एरियाज एज वेल। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक काफ़ी, विच आई थिंक नॉट जस्ट टू फार्मर लेवल, बट आई थिंक आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है, सो इट विल गो थ्रू अर्बन मैसेस एज वेल दिस टेक्नोलॉजी। सर, इसमें पानी एक पाइप से प्रेशर से हम देख सकते हैं कि इसमें 24 आवर्स पानी रहता है, और हम इसको अगर फिजिकली चेक करना चाहें तो इसके अंदर पानी को हम इसका एंड कैप खोल के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो वेपर आउट हो रहा है पानी, वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर पूरी पाइप में हम चेक कर सकते हैं कि ये पानी थ्रू आउट स्लोली रिलीज़ हो रहा है और पानी जो है वो वेपर आउट कर रहा है। तो यही इसकी खूबसूरती है कि ये 24 आवर्स ऑल द टाइम पानी अवेलेबल रहता है इस सिस्टम के अंदर। कौंसिल के पास बसी रकबा है, और फिर उस पर हमने देखे मुख्तलिफ सेक्शन है, लाइफ स्टॉक का है, मछलियों का है, फिर आपने वो देखा कि वो जो फसलें जो पाकिस्तान में काश्त होती है कुर्ब जवार में और ये हमारे सार्क ममालिक में, सबकी रिसर्च होती है। डॉक्टर रेहाना कौसर मेरे साथ मौजूद हैं, और ये जितना भी मछलियों का फार्म हाउस है उस फार्म हाउस को ये देखती है। डॉक्टर साहब, आपके पास मछलियों की अफजाइश नस्ल भी होती है, और आप उसके लिए वो जो छोटा बच्चा मछली है या पूंग मछली है उसको फिर बड़ा भी करते हैं, कितनी अकसाम हैं आपके पास? देखिए जी, इस वक्त हमारा फोकस जो NARC PRC का है वो हाई वैल्यू फ़िश स्पीशीज़ के ऊपर है, और हम फार्मर को वो मछली की अकसाम रिकमेंड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसकी फार्मिंग सिखाने की, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की, जिसकी की कीमत नॉर्मल मछली से बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त हम जो है वो अमेरिकन चैनल कैटफिश के ऊपर काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि यहाँ पर हम अपना एक प्रोडक्शन कल्चर और फार्मिंग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, बट उसके जो नतायज होते हैं वो हम फार्मिंग कम्युनिटी में अक्रॉस द कंट्री ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, उसका बच्चा भी फार्मर्स को दे रहे हैं। और ये एक एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, मतलब ये लोकल हमारी नहीं है, ये बाहर से आई हुई स्पीशीज़ है। इसी तरह से दूसरी जो हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हाई वैल्यू फिश स्पीशीज़ के ऊपर, वो तिलापिया है, और तिलापिया की फार्मिंग उसकी हैचरी से लेकर उसकी सीड प्रोडक्शन, फिर एक ऑल मेल तिलापिया है कॉन्सेप्ट के, जिसमें हमने सारी फीमेल को मेल में कन्वर्ट करके उसका बच्चा हम फार्मर को देते हैं, ताकि मछली जो है वो तेज़ी से ब्रीड ना करे बल्कि उसकी जो है ना ग्रोथ इंक्रीज़ हो, क्योंकि मार्केट में ताकि उसका ज़्यादा उसको किसान को दाम मिले। तो उसकी हमारे पास हैचरी भी है, हमने उसकी सीड प्रोडक्शन जो है वो फार्मर के लिए स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा जी, हम ऑर्नामेंटल अफसाइशी मछलियाँ जो एक्वेरियम की थी, आज NARC ने उसमें भी लीड ली है। पहले जो है वो बाहर से आती थी और मार्केट्स में हमारे जो कंज्यूमर है जो जिन्होंने घरों में एक्वेरियम रखे हुए होते थे उनको बहुत अच्छी खासी हाई प्राइस पे वो मछली मिलती थी। उसके ऊपर हमने काफ़ी साल रिसर्च करने के बाद अब यहाँ पे हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी उस पर दे रहे हैं कि बजाय कि हम बाहर से लें, बाहर के मुल्क हमसे लें अगर फार्मर उसको कमर्शियल लेवल पर कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रमोशनल स्केल पर वो लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस हो। कम कीमत पे एक तो हम दे रहे हैं, जैसे बाहर से 500-700 रुपए की एक पेयर मिलता था, तो यहाँ से 40-80 रुपीज़ की रेंज में लोग लेके जाते हैं हमसे। और इसके अलावा जी, मैंने जैसे हाई वैल्यू की तो हाई वैल्यू के साथ हम वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मछली हर बंदा जो है पाकिस्तान में पिछली 2 दहाइयों से आपने भी देखा होगा कि मछली के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे लोग फिश फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। तो सारी जो है मछली वो रॉ में अभी हमारी जो है ना वो एक खाने का पैटर्न उस तरह का नहीं बना कि हम मछली खाने वाली कौम बन जाए, हम अभी भी चिकन मटन चावल रोटी हम प्रेफर करते हैं। तो फ़िश को प्रमोट करने के लिए हमने वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस किया है, और उस सिलसिले में हमने पब्लिक सेक्टर का, बल्कि पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर का पहला फ़िश कोल्ड चेन एंड फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो PRC ने बनाया है। और उसका जो मेन मकसद था, एक तो फार्मर और इंडस्ट्री को अवेयरनेस देने के अलावा, ये था कि उसमें हमने कोल्ड चेन को फॉलो किया है कि जैसे मछली का गोश्त आपको पता है कि घंटे डेढ़ घंटे में ख़राब हो जाता है जब तालाब से निकाल के मंडी तक आएँ,
तो हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें कि हमने फार्मर को भी बताया कि जहाँ से पकड़ें वहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल बॉक्सेस में पैक करके टेम्परेचर कंट्रोल व्हीकल्स में लेके हमारे प्रोसेसिंग प्लांट में मछली आती है और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग रूम से लेकर उसका फ्रीजिंग रूम स्टोरेज रूम तक सब टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैं और इसकी 12 प्रोडक्ट्स जो हैं वो NARC ने इस वक्त PPP मोड पे हम काम कर रहे हैं एक कंपनी के साथ और 12 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे प्रोसेसिंग प्लांट ने इंट्रोड्यूस कराई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछली खा सकें। मेरे साथ डॉक्टर मुर्तज़ा इंद्रावी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप डायरेक्टर हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा इसके मुख्तलिफ शोबे हैं, कैसे केयर हो रही है लाइफ स्टॉक की और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं उस पर ये कौंसिल कैसे काम कर रही है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको भी मालूम है कि लाइव स्टॉक इस वक्त हमारी ज़राअत में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 60% है GDP का। इसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर ओवरऑल हम पाकिस्तान की ज़राअत को देखें तो उसमें जो मेजर इस वक्त कंट्रीब्यूशन है वो लाइव स्टॉक की तरफ से आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, ऊँटों, हर जो चौपाय है उसकी शक्ल में बड़े अच्छे नस्ल वाले जानवर दिए हुए। तो हमारे पास गायों की 15 नस्लें हैं, इसी तरह भैंसों की 5 नस्लें हैं और इसी तरह हमारी जो बकरियां हैं इनमें भी 28 नस्लें पाई जाती हैं, इसी तरह जो भेड़ें हैं उसकी भी 30 से ज़्यादा नस्लें हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छा नस्लों की शक्ल में जानवर दिए हुए हैं जिनसे हम दूध, गोश्त और इस तरह बाकी भी जो इनकी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल करते हैं। तो जहाँ तक हमारी कौंसिल का है तो कौंसिल की रोज़े अव्वल से यही कोशिश है कि इन जानवर की इन नस्लों में मज़ीद बेहतरी लाई जाए, ऐसे चारा जात और ख़ुराक मुतारिफ़ कराए जाएँ जिन पर लागत कम आए और आगे आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। इसी तरह जो अब एक नया शोबा है बायोटेक्नोलॉजी का, वो भी है जिसमें आप जदीद बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स के इस्तेमाल से जानवरों में उनकी पैदावारी सलाहियत और इसी तरह जो उनकी सेहत के जो मसाइल हैं या मामलात हैं उनको ऐसन तरीके से कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा एक एनिमल हेल्थ का भी शोबा है जो कि फोकस्ड है जानवरों की, क्योंकि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक हमारा हिमालय के पहाड़ों से लेके नीचे अरेबियन सी तक साहिलों तक लाइव स्टॉक मुख्तलिफ शक्लों में, कहीं भेड़ें हैं, कहीं बकरियां हैं, कहीं ऊँट हैं, गाय भैंस है, वो पाई जाती हैं। तो उनकी जो बीमारियों का बर वक्त तदारुक करना, उनकी तशखीस करना और इस हवाले से हमारा ये शोबा काम कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। अभी हम आए हैं चेयरमैन PARC के पास, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करें। डॉक्टर साहब, ये जो हम रिसर्च की बात करते हैं, ज़री मुल्क है हमारा, हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले वक्त के तनाजर में कि हमने खुराक किस तरह पैदा करनी है, हमने सर्वाइवल कैसे करना है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी है। हालिया मीटिंग में उनके साथ जो बात हुई वो यही हुई है कि मुल्क के अंदर आप जितनी मर्जी तरक्की कर जाएं और इंडस्ट्री के हवाले से, और आपको पता है हमारा तो है ही एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, तो मुल्क में जितनी भी तरक्की होनी है वो ज़रात से ही होनी है। और अगर ज़रात में को जदीद जो है उसको नहीं बनाएंगे, मॉडर्न नहीं करेंगे ज़रात को, नए तरीके नहीं अपनाएंगे, नई रिसर्च नहीं करेंगे और नई चीज़ें नहीं निकालेंगे जो रिसर्च ने निकालनी होती हैं। और PARC का तो रोल ही ये है पहले दिन से ही कि हमने सपोर्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, एड, प्रमोट एंड सपोर्ट अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये तीन काम हमने करने हैं। तो हमने तमाम नेशनल अदारों को साथ ले कर चलना है, इंटरनेशनल अदारों का जो नॉलेज है उसको भी मुल्क में लाना है। ये हम काम करते भी रहे हैं पिछले जब से ये अदारा हमारा 45 साल से वजूद में आया है, ये हमारी ड्यूटी भी रही है। और फिर हमने ना सिर्फ ये कि ये टेक्नोलॉजीज बाहर से भी लेके आनी है, फिर उनको अपने मुल्की हालात के मुताबिक उनमें वो जो तब्दीलियां वो भी करनी है ताकि वो हमारे हालात के मुताबिक हो जाएँ। यही काम हमारा एज ए पैक्स बॉडी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का है और यही रोल हम प्ले कर रहे हैं। एज ए चेयरमैन आपका तमाम सूबों के जो हेड हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों में फसलों की बीमारी की मुख्तलिफ अकसाम है, उस पर भी काम? बिल्कुल सर, ऐसे ही मैं अगर बताऊँ कि पिछले 3 साल में हमने 18 वेराइटीज़ जो हैं वो गंदम की वो दी हैं, जिसमें
13 जो हैं वो इरीगेटेड जो हमारे आबपाश इलाके उनके लिए हैं और 5 जो हैं वो जो हमारे बरानी इलाके उनके लिए हैं। और इसमें 18 में 3 वैरायटीज़ होंगी जो पीआरसी की हैं और बाकी जो वैरायटीज़ हैं वो सूबों ने दी हैं। तो हमारा काम ही ये है कि सूबों को साथ लेके चलना, फिर हमारी जो मोर देन 45 लोकेशन है पूरे मुल्क में, वहाँ रीजनल लेवल पे उस जर्म प्लांट को टेस्ट करना, फिर कोडिंग के तहत फिर उस में से जो वैरायटीज़ कामयाब हो जाएं, जो पूरे मुल्क में कामयाब हो जाएं, उनका पूरे मुल्क के लिए मंजूर करवाना, और उसके बाद जो सूबाई सतह पर रीजनल लेवल पर जो वैरायटीज़ हैं, तो इस तरह से एक बड़ा मरबूत निज़ाम है जो हम चला रहे हैं। मौसमों का हम बड़ा देख रहे हैं कि तगैर तबदल है, जो पहले हमारे पास 4 बड़े मौसम थे अब उनमें बड़ी तब्दीली है, फसलें जो हैं और गजाई अजनास जो हैं पूरा साल रहती हैं, हिफाजत का कोई उसका लाया? ये आपने बड़ा हम सवाल किया कि जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरी दुनिया को दरपेश और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को, हम जो इस वक्त ग्रीन हाउस गैस GHG हम कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन तो हम तो 135वें नंबर पर हैं अवाम में, हमारी बहुत थोड़ी कंट्रीब्यूशन है उसमें, हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, लेकिन हम 5वां ऐसा मुल्क हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे है। आप अंदाज़ा लगा लें तो जो आप देख भी रहे हैं, इस साल कभी बारिशें ज़्यादा, इस साल आप देख लें खड़ी फसल जो है हमारी कॉटन की जो है बहुत सारे इलाकों में तबाह हुई है, इसी तरह पिछले साल गंदम जब बिल्कुल तैयार हो रही थी उस वक्त बारिशें और उसके वक्त तूफान आया और वो लॉजिंग भी हो गई और बीमारी बड़ी आई उसके ऊपर, जो उसकी हम लीफ रस्ट कहते हैं जो पत्तों के ऊपर आती है येलो रस्ट, वो भी आई। तो इस वक्त हमारा मुकाबला बहुत एक नेचर और ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हमारी टोटल रिसर्च का जो ओरिएंटेशन है इस वक्त हम बदलने जा रहे हैं। एक मैं चाहता हूं कि जी एक मैसेज हो आपकी तरफ से, क्योंकि आप जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आने वाली नस्लों की बका और फलाह का काम करते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो है एक फ़र्द को देखता है, लेकिन आपका जो काम है यही अफराद को हम खुराक फराहम करते हैं, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। आपको आवाम से इदारों से क्या आता है? मैं तो बिल्कुल यही बात कहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी तरक्की जो हुई है उसमें पहले ज़िम्मेदारों ने हमारा साथ दिया है। आप देख लें जो हमारा मकई की फसल में रेवोल्यूशन आया है, हम इस पूरे रीजन में हमारी पैदावार ज़्यादा है, वर्ल्ड एवरेज के हम बराबर हैं तकरीबन जो दुनिया ले रही है, तो वो एक हमारी जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं किसान हैं, तो इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो तआवुन है और हुकूमत इस वक्त पूरी इसके बारे में क्लियर है। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप बेशक एक महीने में मेरे पास, हर महीने मेरे पास आएँ, जो चीज़ें ऐसी ज़रात के वाले जहाँ रुकावट है वो रुकावट दूर करने के लिए अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट चाहिए आप मेरे पास आएँ। तो उनकी जो है इस वक्त पेट्रोनेट जो एग्रीकल्चर के ऊपर है बड़ी हाई है, मैं कल ही हमारी मीटिंग हुई है उनके साथ, गो अहेड दिया है उन्होंने और टारगेट भी दिए हैं और हमें वो टारगेट मीट भी करने हैं और अपने मुल्क और अपने आवाम को सरखरू भी करना है खुराक के हवाले से, खुद कफालत का जो हमारा मिशन है। आपने इस प्रोग्राम को देखा और इस प्रोग्राम के हवाले से आपके पास बेपनाह मालूमात हुई, आपने आने वाले वक्त में देखना है कि आपने एग्रीकल्चर को रिसर्च को कैसे सपोर्ट करना है। अगर आप अपने घरों में छोटे छोटे खिते पे भी सब्जियां उगाएं और फिर उसके साथ साथ जो वजीर आजम का विजन है कि सर सब शादाब पाकिस्तान बनाना है, उसके लिए दरख्त लगाने हैं, फिर फसलों की केयर करनी है, और उसके लिए जो किसान है वो किसी भी इलाके का हो वो बर वक्त अद्वियात का इस्तेमाल करे, छिड़काव कराए, माहिरीन से बात करे और जो जरी रिसर्च काउंसिल है उनके मशवरों पर अमल करे, क्योंकि आने वाली नस्लों को हम खूबसूरत देखना चाहते हैं, तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम मुतल्लिका इदारे, तमाम लोग, तमाम वो ताकतें जो इस हवाले से मदद कर सकती हैं वो मिलकर काम करें और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म का पाकिस्तान, अलामा इकबाल का पाकिस्तान और इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो खूबसूरत तख़य्युल उसे हकीकत में बदलना है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, आइए आज इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को चक शहज़ाद इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बान।